हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपिक स्टडी। दिस इज विपुल मलिक और आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री, जिसका पार्ट थ्री है ये। और आज हम देख लेंगे क्वेश्चन, सिर्फ आज कोई मैं टॉपिक नहीं, कोई कंटेंट नहीं बताऊंगा आपको। आज डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके, ठीक है। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बेल आइकन को जो है ऑन रख रहे हैं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और ये इधर आपकी क्लासेस की टाइमिंग्स लिखी हुई है, 2 से 3 मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की 9 to 10, और जीके का रोज ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका 11 बजे। और जैसे कि आप जानते हैं, जो सौरभ मलिक है वो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर भी टीचिंग कराते हैं, आप उनके लेसन जो है वहाँ भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर से जो है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पे आप सौरभ मलिक सर्च करके उनके लेक्चर्स देख सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट थ्री, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ट्रिग्नोमेट्री के 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ उनमें मैंने जो है पहले और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो बेसिक था उससे स्टार्टिंग कराई आपकी ट्रिग्नोमेट्री, काफ़ी क्वेश्चंस भी कराए हैं, और बहुत सारे जो फॉर्मूले वगैरह थे मैंने वो सब उसमें पार्ट में बता दिया। इस पार्ट में हम सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 7/2, देन वैल्यू ऑफ द कोसेक थीटा इज, देखा बताना है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू 7/2 आपको दी हुई है, कोसेक थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो ऐसा कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में 4 जो है खूबसूरत ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इन 4 में से एक सही आंसर है। तो नीचे सबके 28 है, इसका मतलब आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि नीचे 28 पक्का आएगा आपका, तो ऊपर का पंगा है, ऊपर आपको देखना क्या आएगा। तो इसमें आपको जो कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मैंने पार्ट 1 में बताए थे वो आपको याद होने चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, एक मैंने ये बताया था 1 + tan² θ = sec² θ होता है, एक ये बताया था 1 + cot² θ = cosec² θ होता है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब इनको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई देखिए, इस जो है 10² θ को मैं इस साइड ले आऊँ, यहाँ से ले आऊँ, तो ये sec²θ - tan²θ 1 हो जाएगा, और इस कोट को मैं इस साइड ले आऊँ तो cosec²θ - cot²θ 1 ही ऐसा हो जाएगा। तो ये जो 2 मैंने जो है ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इनको हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए आपने पता है, आपने अगर एलजेब्रा को पढ़ा हुआ है तो मैंने वहाँ आपको एलजेब्रा की जो वीडियोस थी उसमें बताया था एक फॉर्मूला, a² - b² होता है आपका, क्या होता है वो होता है a + b और a - b, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे cosec²θ - cot²θ, इसको a² - b² समझिए आप, तो इसको a² - b² को a क्या है, a कोसेक है और b क्या है, b कोट है। तो a² - b² को मैं a + b - b लिख सकता हूँ, यानी कि cosec θ - cot θ और cosec θ + cot θ, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूँ। तो ये दोनों 1 के इक्वल होंगे, यानी कि इसको मैंने ऐसे लिख लिया, a² - b² को a + b और a - b ऐसे करके मैंने लिख लिया। और ये जब मैं ये जो माइनस वाली टर्म है ये मैंने नीचे ले गया 1 के, तो cosec θ + cot θ क्या आया, 1/cosec θ - cot θ, ये ऐसा आ गया। ये चीज़ें देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता सकता था माइंड, मतलब ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया ताकि किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है cosec θ + cot θ 2/7, और आपको पता चल गया है कि जो cosec θ - cot θ होगा वो किसके जो रेसिप्रोकल होगा वो इसके रेसिप्रोकल होगा। यानी कि अगर सीधी सीधी सी बात बोलूँ तो cosec θ + cot θ अगर 2/7 है तो cosec θ - cot θ क्या होगा, 2/7 होगा, वो 7/2 होगा। अगर ये 2/7 है तो 7/2 होगा, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होगा, वो आपको यहाँ से पता चल रहा है। देखिए ये अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ और इसको यहाँ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, cosec θ - cot θ = 1/cosec θ + cot θ, समझा आप मेरी बात। यानी कि इनको मैं इंटरचेंज कर दूँ ऐसे, तो वही तो मैंने किया यहाँ पे, cosec θ + cot θ अगर 2/7 दिया है तो cosec θ - cot θ कितना, 7/2 हो जाएगा आपका। अब इसको मैं काट देता हूँ, ये प्लस का ये माइनस का, ये कट जाएगा, जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो ये कट जाएगा, और ये cosec θ + cosec θ 2 cosec θ, और 2/7 + 7/2, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा इनका 14, और ये अब 7 से आप करोगे तो 2 × 4 आ जाएगा, ये 49 आएगा आपका, तो 49 + 4, और ये आपका 2 यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो 14 × 14 = 28, तो ये आपका 53/28 आएगा cosec θ, यही तो आपका आंसर था। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, सी ऑप्शन ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल देन द कोट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ द साइन ए इज, देखिए ए कोई आपका एक्यूट एंगल है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये आपने सुने होंगे। देखिए जब भी एंगल 0 और
जीरो, जब भी आपका एंगल जीरो और 90 डिग्री के बीच में होता है तो वो होता है एक्यूट एंगल, और जब भी आपका एंगल 90 डिग्री और 180 के बीच में होता है तब होता है वो ओब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई, यानी कि एक्यूट एंगल हमेशा 90 से छोटा होता है, इतनी बात ध्यान रखिए। तो वैल्यू ऑफ द साइन ए आपको बतानी है, कोट ए प्लस कोसेक आपको दिया गया, फिर से वही बात आपकी जो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताई थी, इस बार मैं करके नहीं बता रहा हूँ। कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है क्या है, वन है। तो अगर आपको कोसेक ए प्लस कोट ए थ्री दिया गया तो कोसेक ए माइनस कोट ए क्या होगा, वन बाई थ्री, इसका रेसिप्रोकल ये मैंने ऊपर समझाई आपको बात फर्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देख लेना। ठीक है गाइज, और ये मैं प्लस कोट ए से माइनस कोट ए कट गया, ये है टू कोसेक ए, कोसेक ए प्लस कोसेक ए टू कोसेक ए, ठीक है। और थ्री प्लस वन बाई थ्री, यह आएगा आपका टेन बाई थ्री, और ये टू मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, टू से फाइव ये कट गया फाइव टाइम्स, तो कोसेक ए क्या आएगा आपको फी फाइव बाई थ्री। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए आपका क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा इज, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए, वन अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूले सब मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, अगर आपको लर्न नहीं है तो ये ऑब्वियसली आपको वीडियो समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्री 50% फॉर्मूले पे ही बेस होती है, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का, वन अपॉन साइन थीटा किसका इक्वल होगा, कोसेक थीटा का इक्वल होगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, वन अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक थीटा के, और वन अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के, और वन अपॉन टेन थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। ये तीनों चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम क्या कर यूज करेंगे, वन अपॉन साइन थीटा इजिकल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो आपका जो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है वो यहाँ से मैंने जो है इस साइड लिख लिया ऐसे, और ऊपर क्या किया मैंने, ये वन को मैंने ऐसे करके लिख दिया, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये बात आपको शायद समझ नहीं आई होगी कि यह इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन मैंने वन की जगह कैसे लिख दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, वन किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर मैं कोसेक को ए बोल दूँ और कोट को बी बोल दूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, वही फर्स्ट क्वेश्चन वाली बात है फिर से, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह क्या है कोसेक और बी की जगह क्या है कोट, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, तो इसके इक्वल होगा, और ये किसके वन इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन के। तो वन की जगह मैं ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे यहाँ लिख सकता हूँ, आया समझ। ठीक है, तो एक कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा से ये वाला कट जाएगा, और ये क्या बचेगा फिर, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब तो नीचे कुछ नहीं बचा इसके, इससे मैं इससे काट सकता हूँ, तो आंसर क्या आपका कोट थीटा, ये भी आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है लेकिन इसको बहुत ईजिली मैं जो है सिंप्लीफाई करके आपको दिखाऊंगा कैसे इसको करना है। और ये इस क्वेश्चन में देखिए, सारी चीज़ें अगर मैं लिखूंगा तो ये दो तीन पेज का क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में, तो आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, कुछ चीज़ें माइंड में करनी है अपने, कुछ चीज़ें लिख के करनी है, और जो है अपना आंसर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन बढ़िया क्या लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कोस ए अपन कोसेक स्क्वायर ए साइन ए माइनस कोस ए, अभी बस इतने पे रही है। तो कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, मेरे हिसाब से कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है, फिर यहाँ आइए, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ए और नीचे लिखा है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, अभी मैंने बताया था आपको पीछे तीन जब वो बताए थे ना आपको रेसिप्रोकल कौन किसके होता है, तो सेक कोस के रेसिप्रोकल होता है, तो सेक स्क्वायर ए वन अपॉन सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए के इक्वल होगा। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है यहाँ से, तो इसको मैं ऊपर, यहाँ क्या है आपका साइन, ये साइन के इक्वल साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, ये फिर नीचे सट जाएगा, और ये वन अपॉन सेक स्क्वायर ए की जगह कोस स्क्वायर ए लिखूंगा तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। दोनों यहाँ भी साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो ये मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया दोनों से। ठीक है, इतनी बात समझ आई। और ये नीचे क्या बचा आपका, साइन ए माइनस कोस ए और साइन ए प्लस कोस ए, इसको ऐसे समझ लीजिए अलजेब्रा अगर आपको आता है तो, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ए साइन ए यहाँ पे बी कोस ए है, तो ये मैंने लिख लिया। तो फिर अगर इसका मैं अब ऊपर चल के एलसीएम ले लिया मैंने दोनों का, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अगर मैंने लिखा हुआ है तो इसकी मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा, और बचेगा क्या,
साइन ए प्लस कोस ए, इसको मैं ऊपर फिर स्क्वायर कर दूंगा ऐसे। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको इतनी डिटेल में नहीं समझाऊंगा मैं तो। और फिर यहाँ पे क्या, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे साइन ए माइनस कोस ए टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई होगा ये आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई फिर आप ऊपर करोगे, फिर साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी। और अब आपको पता होना चाहिए सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वन अपॉन कोस स्क्वायर ए के, ये बहुत बार बता चुका हूँ बात। और कोसेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर ए के, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, ये नोट मैंने लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे आता है? ये एलजेब्रा अगर मैं, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो इसको ओपन करके देख लीजिए क्या आएगा। ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस का टू ए बी प्लस का आपका ए स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर माइनस का आपका टू ए बी। ये प्लस के टू ए बी से माइनस का टू ए बी कट गया, और ये टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर आया, यानी कि टू कॉमन लोगे तो टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगा, मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैंने इसको लिख लिया टू ए, क्या है यहाँ पे, ए साइन है और बी क्या है, बी कोस है, तो टू साइन ए स्क्वायर प्लस कोस ए स्क्वायर मैं यहाँ लिखूंगा वो वन हो जाएगा, वन की मल्टीप्लाई टू में करूँगा तो टू ही आएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे टू लिख दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे वन अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, इनका एलसीएम लूंगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर करके, तो कोस से कोस कट जाएगा साइन बचेगा, उसके मल्टीप्लाई ऊपर कर दी वन में साइन स्क्वायर ए आ गया, साइन से ये साइन कट जाएगा कोस बचेगा, तो कोस की वन में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा, टू आपका आंसर आ गया, ईजी। मैं नहीं समझता हूँ इसमें 15 सेकेंड 10-15 सेकेंड मैक्सिमम होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है गाइज। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएगा, कोई आपकी शिकायत है, कोई आपका सुझाव है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और भी ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, आप जो है इसी तरीके से बने रहिए।